हेलो गैस, तो कैसे हैं आप सब लोग। सो गैस, आज की जो मेरे पर टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपके रैंक पर शो में काफ़ी दिखा मना रही है, और इंटरनेट से यूज़ करके आप एक क्लैश स्क्वाड वाले मोड में अपने एनिमीज को भी यहाँ पे किल कर पाओगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखना, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर आपको पहले ट्रिक को करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लैम्बो के यहाँ पर जो पड़ेगी, तो लैम्बो को लेने का फिर आपको कैप टाउन के पास यहाँ पे ब्रिज देखने में मिल जाता है। तो आपको पीछे की साइड यहाँ पर चले जाना है, और अगर जैसे पर पीछे साइड पर चले जाओगे फिर आपको अपनी लैम्बो का कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करना होगा, जिसमें यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और जैसे आपकी लैम्बो यहाँ पर सेट हो जाएगी फिर आपको सिंपली से अपने गेट ऑफ वाला बटन पर प्रेस करना है, और अगर जैसे कि आप देख सकते हो जो आपका करेक्टर होगा वो पूरी तरह से जमीन के अंदर यहाँ पर चला जाएगा, और अगर सिस्टर का यूज़ करके अपने रैंक को काफ़ी आसान से यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसे भारी तरफ यहाँ पर निकलना है तो आप अपने सिंपली से ड्राइव वाला बटन पर प्रेस करना, तो आपको करेक्टर वापस से गाड़ी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। सो गाइस, आपको ट्रिक कैसे लगी, अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को पर लाइक कर देना। फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट ट्रिक को करने के लिए आपको ट्रेन मोड के अंदर यहाँ पे आ जाना होगा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने तरफ यहाँ पे लोड आउट को यहाँ पे खोल लेना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी आपको बैकग्राउंड यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे देखने में मिल जाता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली से साइड में यहाँ पे मैप के ऊपर यहाँ पे टैप कर देना है, और अगर जैसे भी मैप के ऊपर यहाँ पे टैप करोगे तो आप देखना जो आपके वेपन के पीछे का यहाँ पे बैकग्राउंड होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यह जो ग्लिच है अभी अपडेट के बाद यहाँ पे काम करने लगा है, तो आप इस वाले ग्लिच को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो यहाँ पर जो हमारे पे नेक्स्ट ट्रिक है ये आपकी क्लैश स्क्वाड वाले मोड में भी यहाँ पे काम आएगी, और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने एनिमी की लोकेशन भी यहाँ पे देख पाओगे। तो आपके पे क्या करना है, आपका फैक्ट्री वाली लोकेशन में यहाँ पे आ जाना है, तो आपको पीछे की साइड यहाँ पे टायर यहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो आपका टायर के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाना है। टायर के ऊपर चढ़ने के बाद फिर आपका एक और टायर ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो आपका इस टायर के ऊपर भी यहाँ पे आ जाना है। तब आपके पे क्या करना होगा, आपको सामने तरफ यहाँ पे चले जाना है, तो जैसे पे सामने तरफ यहाँ पे आ जाओगे फिर आपके पे साइड में आराम से उतरना होगा, और जैसे पे करोगे तो आप देखना जो आपके पे करेक्टर होगा वो हवा में यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तब आपको पे क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन को बिल्कुल हल्का सा रोटेट करना होगा, तो जैसे आप रोटेट करोगे स्क्रीन को तो आप देख सकते हो आप अपने अंदर के एनिमी को लोकेशन यहाँ पे देख पाओगे, और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे बता सकते हो कि आपके एनिमी यहाँ पे किस लोकेशन पे है। और यह जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा पे सिंपल भी है, तो आप भी इस ट्रिक को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। सो अगर जितने ट्रिक्स में आपको स्टूडो बताया सैटिक आपको कैसे लगी, अगर आपको सैटिक पसंद आई तो प्लीज़ स्टूडो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड का शेयर करना, और अगर आप चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग this video, and I will see you next time.